नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर जुडिशी चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जीके के मॉक टेस्ट की। एमपी सिविल जज के लिए जीके का मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यूके सिविल जज एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक टेस्ट काफ़ी यूज़फुल है। एमपी सिविल जज और यूके सिविल जज दोनों एग्ज़ाम के लिए जीके का मॉक टेस्ट पहला है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर अब कहाँ स्थित है? मतलब ये जो मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है, ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे निम्नलिखित में से किससे बनी थी? तो ये काश्य से बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने युद्ध के देवता कौन थे? जो ऋग्वैदिक काल था उस टाइम पे आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? तो वो थे इंद्रदेव। इंद्रदेव को युद्ध का देव माना जाता था। अगला है, स्वामी महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को ऋषिपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम श्रेय प्राप्त है? ये जो अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के अभिलेख, इनको सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने। अगला प्रश्न है, किसने भारत को सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के को चलाया था? इसमें से कौन है जिन्होंने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए? ये थे हिंद यवन। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री ये आर्यभट्ट थे। गुप्त काल में जो है आर्यभट्ट थे प्रमुख गणितज्ञ और खगोलशास्त्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का कालक्रम बताना है? तो इसमें सबसे पहले हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध, उसके बाद बैरम खां का पतन हो गया, उसके बाद आशीरगढ़ की विजय, फिर है अबुल फजल की हत्या। और ये चारों ही कार्य जो हुए थे अकबर के कार्यकाल में हुए थे। अगला प्रश्न है, विदेशी आक्रमणकारियों को ऐतिहासिक क्रम में लिखिए, इसमें से किसने पहले भारत पर आक्रमण किया? तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद मोहम्मद महमूद गजनी, उसके बाद है चंगेज खां, फिर है मोहम्मद गौरी, सॉरी उसके बाद है मोहम्मद गौरी, फिर है चंगेज खां। तो आंसर है सी, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, फिर है महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खां। अगला प्रश्न है, किस शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे? सबसे ज़्यादा जो हिंदू पदाधिकारी थे वो थे औरंगजेब के टाइम में, जबकि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, लेकिन इसके टाइम में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सिंचाई पर कर लगाया? तो ये कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, सबसे पहले सिंचाई पर कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? कबीर की मृत्यु हुई थी मगहर में। अगला है प्रश्न, अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कारखाना कहाँ लगाया? ये सूरत में लगाया था। अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कारखाना सूरत में लगाया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाल लाजपत राय। अगला है, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था, टेलीग्राफ व्यवस्था 1853 से प्रारंभ हुई है। अगला है, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और ये वापस इन्होंने क्यों ले लिया था? तो ये चोरी चोरा घटना के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथ्य चेक की संज्ञा दी? तो ये दी है महात्मा गांधी ने। अगला है, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय ये अनियार में, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। अगला है, अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना की है ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बना था सिविल जज में यूपी के। ये तैमूर ने जो आक्रमण किया है उस टाइम पे नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक इनके टाइम में आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में किस बेंगी शासक को हराया? तो ये हस्तिवर्मन था, इनको हराया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी और ये थी पीतल और तांबे की बनी हुई। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो ये भगवत दास थे। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी के सिंहासन, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान
अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उसमें जो लोधी वंश है जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, ये अफगानी थे, इसके अलावा बाकी सब तुर्की थे। तो लोधी वंश जो है ये बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे और ये अफगानी थे। अगला प्रश्न है, महमूद गवां का संबंध निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य से था? तो ये था बहमनी राज्य से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण राजस्व का प्रस्ताव पारित किया? ये किया था 1929 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? ये 1916 में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता। और फ्रेंड्स, ये जो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, यहीं से नरमदल और गरमदल दो भागों में बढ़ जाते हैं, यहाँ से कांग्रेस का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु ये है चितरंजन दास। अगला है, पाकिस्तान के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री रियाकत अली खान ये जो है पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली थे। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ये था ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का एक अधिराज्य। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने 1878 में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर अंकुश लगाया? ये लॉर्ड लिटन। इन्होंने जो 1878 में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर अंकुश लगाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमदल और गरमदल पुनः विलय हो गए थे? ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, तब से हो गया था। अगला है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर कौन सा है जहाँ मतलब सबसे बड़ा स्नानागार यानी ग्रेट बाथ के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 58 ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे? पंचमार्क सिक्के बने हुए थे चांदी के। फ्रेंड, ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूके सिविल जज और एमपी सिविल जज के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज़।